दिस इज कामनी मौर्य और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, जो कि अगर आप 12th क्लास में हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटिंग है, मींस आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका है या फिर आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इससे क्या है आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी एंड इनफैक्ट मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगी अपने एडमिशन का एक्सपीरियंस भी और साथ में आपको वो सारी चीजों से अवेयर कराऊंगी जो कि आप एक एडमिशन के टाइम फेस कर सकते हैं। एज जुलाई में एडमिशन होता है, मई जून जुलाई, अभी लॉकडाउन का टाइम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वी ऑल आर अवेयर कि लॉकडाउन में हम बहुत टफ टाइम से सफर कर रहे हैं, बट क्या कहते हैं अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, मीन्स जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक वगैरह जो है, जो भी हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन साइट पे, वो तो ठीक है बट स्टिल जो हमारी डेट है वो सारी एक्सटेंड हो चुकी है। तो सो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्यों ना अभी जितना टाइम आप पे मिला है आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट अस स्टार्ट। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, जो कि वो अपना ऑफिशियल साइट पे डिक्लेयर कर देते हैं कि वो ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन के लिंक्स निकाल चुके हैं एंड यू कैन चूज योर कोर्स अकॉर्डिंग टू द कॉलेजेस। उसमें लिस्ट आ जाती है कॉलेजेस की जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस, ठीक है, आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए वो सारे कॉलेजेस आप चूज कर सकते हैं। और साथ में क्या कहते हैं ये भी उसमें सारे आपको रजिस्ट्रेशन, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का एक प्रोसीजर है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देन एडमिशन। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिकली क्या बताना पड़ता है कि क्या कहते हैं, ठीक है, यू प्रेफर ऑल दीज कॉलेजेस, ठीक है, मीन्स आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और जब जब इन कॉलेजेस की क्या कहते हैं कट ऑफ निकलेंगी तो आप उसमें मैच करके उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जा सकते हैं। मीन्स आपके जितने भी मैरिट, उसमें आपके मैरिट रिजल्ट में जो भी नंबर्स आए हैं, जो भी मार्क्स आए हैं, जितना भी आपने स्कोर किया है उसका ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे, मीन्स बेस्ट फोर में देखा जाता है बेसिकली। एज मैंने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, एज आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ एंड करेंटली आई एम पर्सनिंग माई बी ए इंग्लिश ऑनर्स, तो फिर मेरे टाइम पे मेरे को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दो सिली डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि अवेलेबल ही नहीं थे और उसके लिए मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी। इनफैक्ट जो इजिली अवेलेबल हो जाते हैं लाइक पिक्स वगैरह, वो भी मेरे टाइम पे मतलब मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि फ्रेशर थी एक तरह से और क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो फिर कोई चांस नहीं था, मतलब कुछ किसी ने गाइड भी नहीं किया था इतना अच्छा कि क्या कहते हैं ये सारी चीजें आपको पहले से ध्यान रखनी चाहिए। सो आई होप अपने एक्सपीरियंस से और रजिस्ट्रेशन की क्या क्या डिमांड्स होती हैं इससे मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पहले से ही उन चीजों से अवेयर हो जाओ और आपको एडमिशन के टाइम वो सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। सी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारी वो क्या कहते हैं पहले ही डेट अनाउंस कर देती है कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, मीन्स आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पे आप कोर्स चूज कर लेते हैं, 9 टैब्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में क्या क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब कुछ, मीन्स आप जो 12th बेस या फिर 10th बेस इन्फॉर्मेशन होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर अकेडमिक, ठीक है, वो सारी उसमें मेंशन करनी पड़ती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, देन उसके बाद आपका अगर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, तो तब आपको क्या कहते हैं ईमेल आ जाता है, आपको यूजर नेम वगैरह बनाना पड़ता है, वो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि रजिस्ट्रेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ेगा उसके लिए, जैसे कि मुझे दौड़ना पड़ा था अपने एडमिशन के टाइम पे। जुलाई का टाइम था, बहुत गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था और आप बिलीव नहीं करेंगे अभी आप आराम से बैठे हैं बट जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी भागदौड़ हो रही है एडमिशन के लिए। बेसिकली हर कॉलेज में इतना क्राउड रहेगा, हर कॉलेज में इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स रहेंगे कि मतलब इतना ज्यादा रश हो जाता है ना कि अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है किसी चीज की। लाइक वहां पे बच्चे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले से निकाल के नहीं आए थे, वहां पे साइबर कैफे में जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलवा रहे थे, किसी के पास पिक्स नहीं थी, पासपोर्ट साइज फोटोज नहीं थी, किसी के पास क्या नहीं था, सब कुछ सब इतना भागदौड़ कर रहे थे ना, मतलब साइबर कैफेज में लाइन लगी थी लंबी लंबी एंड बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा था हर चीज के लिए।
और वो साइबर कैफे का जो सर्वर था वो भी इतना डाउन चल रहा था जस्ट बिकॉज इतने सारे लोगों को कुछ ना कुछ करवाना था। सो मेरा मेन मोटो यही है आपको समझाना कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पहले से प्रिपेयर कर ले। सो सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट थिंग है आपको, एज आई हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको जरूरी होते हैं रजिस्ट्रेशन में अपलोड करने के लिए। सी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको अपलोड करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी डिस्कस कर लेते हैं, हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद बात करेंगे दूसरी चीजों की। तो सबसे पहले हमारा आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। गाइज अगर आपने अपने फॉर्मल में कैसी भी आपकी पिक्स हैं जो भी हैं पासपोर्ट साइज फोटोज निकलवा लीजिए क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटोज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों में। सारी ऑफिशियल चीजों में पासपोर्ट साइज फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40-50 फोटोज आई थिंक आप खिंचवा ही लीजिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडमिशन के टाइम पे काम आएंगी, वो आपको ओवरऑल लाइफ टाइम काम आती ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि फोटोज बार बार हर जगह ही मांगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका स्कैन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। आपका जो भी सिग्नेचर एक व्हाइट शीट पे अपना साइन करके उसको स्कैन करवा के अपने फोन में रख लीजिए क्योंकि वहां पे ऑनलाइन आपको अपलोड करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है। आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसका आपको प्रूफ होना चाहिए उसके पास, मीन्स जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट स्कैन दैट डॉक्यूमेंट एंड कीप इट इन योर फोन, ठीक है। आपको अपने फोन में रखना है 10th क्लास का मैरिट सर्टिफिकेट। उसके बाद है आपका सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स होता है आपने सिग्नेचर कर रखे हैं उस पे जो भी आपका मार्कशीट है, मीन्स उसकी जो फोटोकॉपी वगैरह है, और आपका सिग्नेचर भी अवेलेबल रहता है उस मार्कशीट के। लाइक 12th क्लास की मार्कशीट जो होती है उसके आपके साइन प्रिंटेड रहते हैं पहले से क्योंकि वो साइन आपके लिए जाते हैं ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ही साइन ले लिए जाते हैं तो वो वहां पे सेल्फ अटेस्टेड रहता है और आपको साथ में उसकी कॉपी भी रखनी पड़ती है तो उसको भी स्कैन करा के रख लीजिए। इन केस अगर क्या कहते हैं आप पे अभी क्या कहते हैं 12th का सर्टिफिकेट नहीं आया है मेरिट सर्टिफिकेट, बिकॉज क्या होता है इस टाइम पे 12th का जो मार्कशीट है वो नहीं आ पाता है, वो थोड़ा लेट आता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक स्क्रीनशॉट या फिर आप क्या कर सकते हैं जो भी आपका ऑनलाइन रिजल्ट आया है उसकी उसको आप स्कैन करके अपने फोन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्पोर्ट्स ECA सर्टिफिकेट, ठीक है। लाइक आप सपोज आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं, आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं या फिर ECA लाइक एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज जो होती है उनमें जो जो मतलब कई बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में बहुत तेज होते हैं, उनका पहले से कोई ना कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं तो आप उनको भी क्या कहते हैं स्कैन करवा के रख लीजिए। स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो वो भी स्कैन करा के रख लीजिए। बेसिकली मैं यही डॉक्यूमेंट्स नहीं बोल रही हूँ आपको स्कैन करके रखने हैं, बट अब तक जो मैंने क्या कहते हैं बताए आपको डॉक्यूमेंट्स उनको प्लीज स्कैन करके अपने फोन में रखिए क्योंकि वो आपको रजिस्ट्रेशन में अपलोड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको बहुत सारी चीजें स्कैन करनी होती हैं जो कि एडमिशन के लिए, बेसिकली आपको लाइफ टाइम हमेशा हर चीजों के लिए स्कैन डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए अपने फोन में। वो सिर्फ ऑनलाइन अपलोड के ही काम नहीं आते हैं बट एज अ प्रूफ भी काम करते हैं। लाइक आपको प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि आई हैव दिस डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल वन। गाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन में एट द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कि आपने रजिस्ट्रेशन में क्या कहते हैं कोई भी गलती कर दी तो आपका 5 साल के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और इनफैक्ट आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है कि अगर आपने रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगाए, अगर आपने 10th का सर्टिफिकेट है या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है वो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मीन्स वो वेरीफाइड नहीं है या फिर फेक है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, गाइस आप 5 साल के लिए कोई एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो इलीगल होता है, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, मीन्स सिर्फ 10th क्लास सर्टिफिकेट यही सब नहीं, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम को मतलब रिप्रेजेंट करते हो कि ठीक है ये रिन्यूड है, नए हैं और वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रखनी है। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं ये तो आपके पास होनी जरूरी है, बल्कि साथ में अगर आपका किसी कॉलेज में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने, क्योंकि आप जाएंगे सपोज किसी कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, आपकी ईमेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी दैट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द फॉलोइंग कॉलेजेस, जिस भी कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी ईमेल आईडी एज अ प्रूफ। और उसके बाद अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं सो व्हाट यू हैव टू शो इज योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
वहां पे आपको एडमिशन, सपोज मान लीजिए आपका मिरांडा हाउस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है मिरांडा हाउस, ठीक है, आपने उसमें एडमिशन लिया, ठीक है, सपोज अगर आप एडमिशन के लिए गए कि ओके योर कट ऑफ इज मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, उस कॉलेज की जो कट ऑफ है उससे मैच कर रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप उस कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, ठीक है, बट अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होगा तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा प्लीज मत करिएगा कि आपने अपने फोन में डॉक्यूमेंट रख रखा है। एक बार क्या हुआ था, जस्ट मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो वहां पे क्या हुआ था, एक लड़की ना, मतलब वो ना ओरिजिनल जो कॉपी थी उसकी, डॉक्यूमेंट था, उसने सेव कर रखा था अपना ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहां पे वो जो गार्ड था वो उनको घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये बेसिकली अलाउ नहीं कर रखा था कि आपके फोन में वो चीज है तो आप अलाउ नहीं है, आप एंटर नहीं कर सकते कॉलेज में। सो व्हाट यू हैव टू डू इज उसकी फोटोकॉपी करवा के अच्छे से स्टेपल करके तब जाइएगा एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, और सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके फोन में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो आपको घुसने ही नहीं देंगे तो आपको पूरा दिन वेस्ट होगा, देन आपको अगले दिन आना पड़ेगा और मे बी वो कट ऑफ भी चली जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड गेट देम प्रिपेयर्ड टिल जब तक की डेट नहीं आती है, ठीक है, और उसके बाद और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी उसमें आप पेमेंट कर दीजिएगा, वहां पे मेंशन हो जाएगा कि आपने रजिस्टर कर दिया है और सारी इन्फॉर्मेशन आप रीचेक कर सकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद अपनी आप कट ऑफ मैच करना, देन आप कॉलेज में जाना एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब मैं एडमिशन के लिए भी कॉलेज के लिए ये तो था, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं आपके उन पे वीडियो बनाई, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि क्या कहते हैं एडमिशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप कैरी करने हैं। आप अगर उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले जाएंगे ना तो ट्रस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी वो चांस आपके हाथ से चला जाए और वहां पे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी इस गर्मी में बहुत भाग दौड़ की थी अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए थे। सो आई होप कि आप अपना एडमिशन अच्छे से करवा लें, सारा अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लें, आप पे इनफ टाइम है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी फेक चीज पाई गई, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपका पाया गया तो इट विल माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत बुरा वाला, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोसीजर कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।